नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज हलवाई। राज हलवाई रेसिपी में आप सभी का स्वागत। तो दोस्तों, राज हलवाई रेसिपी में आज बन रहा है पूड़ी छोले। ये देखिए, इस तरह के पूड़ी छोले और पनीर बन के तैयार होते हैं। आप भी अपने घर में 150 आदमी वास्ते अपने घर में बना सकते हो। तो हम 100 आदमी के लिए छोले भिगोए हैं। ये 5 kg छोले है। इसको 8 घंटा पहले हमने भिगो दिया, अच्छी तरह ये भीग चुके हैं। अब इसका अच्छी तरह पानी निकाल के हम इसको धो लेंगे एक बार। ये देखिए, यहाँ हमने जो थोड़ा सा नमक इसमें लगा दिया था भिगोते समय, अब इसको हम धो के निकाल देते हैं। तो ये देखिए, अच्छी तरह हमने धो के थोड़ा छोले से पानी ऊपर रहे, अब हम उबलने के लिए रख देते हैं। ये देखिए, अच्छी तरह साफ़ कर दिया है। और यहाँ हमने मीठा सोडा 1/2 चम्मच लिया है, वो ये वेट में 6 ग्राम तक है। और 1 चम्मच हमने अजवाइन लिया है, 5-7 हमने बड़ी इलायचियाँ ली है। और ये हमारा नमक है, ये हमने 2 चम्मच नमक फिर दोबारा डाल देंगे। ये उबालते समय इसमें हम ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको हम मिक्स कर देंगे हाथों से। ये देखिए, अच्छी तरह हम छोले में मिला देते हैं। अब इसको गैस चूल्हे पे मीडियम पे रख देंगे, उबलता रहता है। तो जब ये उबाला आ जाता है तो हम इसका गैस का फ्लेम जो होता है लो मीडियम पे कर देते हैं और ढक्कन आधा कवर करते हैं, आधा नहीं कवर करते। लो मीडियम फ्लेम पे उबालने से ये होता है कि छोले हमारे पूरे साबुत होते हैं, इसके छिलके उतरते नहीं हैं, इसलिए इसको लो मीडियम पे उबाला जाता है। उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। और ये देखिए, ये आंवला है जो छोले काले करने हैं अगर आपको, तो इसमें आंवला सूखा मिलता है मार्केट में। इस तरह हम 50 ग्राम डाल देंगे और दोबारा हम ढक्कन से इसी तरह पतीले को कवर कर देते हैं। ये थोड़ी देर बाद में पड़े पड़े काला हो जाए। या 50 ग्राम चाय पत्ती भी पोटली में बांध कर पतीले में डाल सकते हो, उसका रंग उतरने से छोले काले हो जाते हैं। अब यहाँ तड़का बनाएंगे। तो यहाँ हमने मीडियम फ्लेम पे गैस ऑन किया है, एक पतीला रखा है और इसमें हम 2 लीटर डालेंगे किंग का रिफाइंड। ये देखिए, ये बिल्कुल बेस्ट आता है हमारे यहाँ रिफाइंड, तो इससे हम अपने प्रोग्राम में बनाते हैं। तो ऑयल जब गर्म हो जाता है तो इसमें हम 100 ग्राम जीरा एक करछी भर के डाल देते हैं। ये 100 ग्राम जीरा था। अच्छी तरह जब ये चटकने लगता है तब इसमें हम, ये देखिए, लहसुन का पेस्ट है, ये 200 ग्राम है। इसको हमने मिक्सी कर लिया अच्छी तरह, अब ये डाल देते हैं। अभी हम लहसुन को अच्छी तरह पहले ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए, अच्छी तरह जब ये ब्राउन हो जाता है तो हमारे सब्जी का टेस्ट बेस्ट आता है। तो लहसुन जब अच्छी तरह ये ब्राउन हो गया तब इसमें हम प्याज डालेंगे। ये हमने 4 किलो दाना जैसा प्याज कट लिया है, बारीक कट लिया है, तो ये 4 kg है। इसको अच्छी तरह छील के और दानेदार हमने कट लिया है, अब इसको हम डाल देते हैं। ये देखिए, हमने लहसुन को ब्राउन कर लिया है, अब हमने प्याज डाल दिया। अब इसको प्याज को भी ब्राउन करेंगे, साथ में लहसुन भी होता रहेगा और प्याज भी होता रहेगा। लेकिन लहसुन को हमें पहले ब्राउन करना पड़ता है, लहसुन की जो टेस्ट होती है पहले ब्राउन हो जाती है, तब हमारे सब्जी का टेस्ट बेस्ट आता है। तो ये देखिए, ये प्याज भी ब्राउन होने लग जा है। इसको 20-25 मिनट लग जाते हैं इसको अच्छी तरह भूनते, तब ये ब्राउन हो जाता है। तो इसमें हम देगी मिर्च डाल देंगे। ये देखिए, हमारे पास देगी मिर्च है, इसमें हम थोड़ा सा बचा लेंगे। ये 100 ग्राम की डिब्बी होती है, मतलब हमने 20 ग्राम तक बचा लिया है, बाकी इसमें हमने ऐड कर दिया है। ये देखिए, यहाँ हम हल्दी भी डालेंगे, बस इस 70-80 ग्राम इसमें हल्दी भी डाल देंगे। और इस तरह हम हल्दी मिर्च को इस ऑयल में अच्छी तरह भूनेंगे प्याज के साथ। ये देखिए, जब अच्छी तरह ये मसाला हमारा हल्दी मिर्च भून जाता है, तब इसमें हमने 3 kg टमाटर लिया है, इसको बारीक बारीक कट के इस तरह डाल दिया। ये देखिए, अब टमाटर को भी अच्छी तरह भूनना पड़ता है इस मसाले में। तो ये देखिए, थोड़ी देर बाद टमाटर का पानी छोड़ता है, तो इस तरह इसको भूनते रहेंगे और साथ में इसको गलाना पड़ता है। साथ ही इसमें हम नमक डाल देंगे 100 ग्राम तक। इससे होता है कि हमारे टमाटर में पानी जल्दी छोड़ देता है, टमाटर प्याज जल्दी गलने लगते हैं नमक लगाने से। तो इस तरह हम इसको भूनते रहेंगे और ये टमाटर प्याज भी अच्छी तरह ग्रेवी बन जाएगी, गलत जाएगी, इसलिए इसको मीडियम फ्लेम पे ज़्यादा देर तक इसको भूनते रहेंगे कि टमाटर प्याज थोड़ा गल जाए तो हमारी ग्रेवी जो होती अच्छी बन जाती है। साथ में भूनते रहेंगे, साथ में हमने यहाँ 100 ग्राम तक हरी मिर्च को मिक्सी कर दिया है और मिक्सी करके इसमें डाल दिया सब्जी में। यहाँ हमने 200 ग्राम अदरक को लंबे साइज में कट लिया है, इसको लच्छा अदरक कहा जाता है। तो इस तरह हमने कट के डाल दिया।
अब ये देखिए ग्रेवी बनाने के लिए इसको हमें काफ़ी समय तक भूनना पड़ता है, कम से कम एक घंटा लग जाता है ग्रेवी को भूनने में, तब हमारी सब्जी का टेस्ट आता है। यहाँ देखिए इस तरह हम भूनते रहेंगे। यहाँ हमने 2.5 kg आलू बॉयल कर लिया था, इसको छील के हमने कद्दूकस कर दिया है, अब इसमें ग्रेवी में डाल देंगे। इससे हमारी ग्रेवी जो होती है छोले की बेस्ट बनती है। ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, 2-2.5 kg आप डाल दीजिए, आपके छोले बेस्ट बनेंगे। यहाँ थोड़ा पानी लगा देंगे और इस तरह हम काफ़ी समय तक ग्रेवी को भूनते रहेंगे। ये देखिए इसको बस मीडियम फ्लेम पे आप काफ़ी देर तक जब आप ग्रेवी भूनेंगे तो सब्जी का टेस्ट बेस्ट आता है। साथ में अब यहाँ मसाले भी ऐड करेंगे। यहाँ 70-80 ग्राम तक हम इसमें किचन किंग ऐड कर देंगे, थोड़ा हम बचा लेते हैं। 100 ग्राम तक है इस डब्बे में, ये डब्बियाँ सब MDH की हैं, ये 100-100 ग्राम की होती हैं। ये चना मसाला हमने एक डब्बी पूरा ऐड कर दिया, मतलब 100 ग्राम हमने चना मसाला ऐड कर दिया। और यहाँ चाट मसाला थोड़ा सा ऐड करेंगे, बस हम आधा डब्बी ऐड करेंगे। तो चना मसाला हमने 100 ग्राम पूरा ऐड कर दिया और चाट मसाला हमने सिर्फ 50 ग्राम तक ऐड किया है, और इस तरह हम भूनते रहेंगे। ये गरम मसाला है जो MDH का बेस्ट आता है, इसमें लौंग इलायची दालचीनी वगैरह सब पीसे होते हैं, इसमें इस तरह हम ऐड कर देंगे। ये देखिए आपको खड़े मसाले भी अगर इसमें डाल लें तो आप तड़का भूनते समय इसमें लौंग इलायची दालचीनी जुगोत्री जो भी आपके पास है डाल सकते हो, लेकिन खड़े मसाले इसमें कम मात्रा में डालिए, ज़्यादा नहीं, आपको 20 ग्राम तक इसमें डालें तो सब्जी का टेस्ट बेस्ट आएगा। और इस तरह हम ये देखिए ग्रेवी अच्छी तरह जब भून जाती है तो ये देखिए छोले हमारे बॉयल किए हुए हैं, इसमें से जो हमारे आंवला थे बड़ी इलायची थी इसको निकाल देते हैं और ये ग्रेवी उठा के इस तरह दूसरे पतीले में पलट देते हैं छोले वाले में। ये देखिए तो इस तरह छोले वाले पतीले में डाल दिया सारी ग्रेवी और इसको हम पकाएंगे। ये देखिए अब यहाँ ग्रेवी में थोड़ा सा पानी हमने और डाल दिया है, लगभग हमने 2-3 लीटर और डाल दिया है। उसके बाद में हमने 1 kg पनीर भी डाला है इसमें छोटा छोटा पीस करके, तो यहाँ हमने पनीर डाल दिया। अब यहाँ देखिए अच्छी तरह हम इसको पकाएंगे। अच्छी तरह जब ये ग्रेवी थोड़ी देर तक पकती रहती है तो सब्जी का टेस्ट जो होता है बेस्ट हो जाता है। ये देखिए तो ये पूरी ग्रेवीदार हमारे पनीर छोले बनके तैयार है। अब इसे आप पूरी से खाइए या चावल से खाइए या आप रोटी से भी खा सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ये बिल्कुल ग्रेवीदार हमारे छोले पनीर बनके तैयार है। अब यहाँ हमने 2-3 टमाटर और 2-3 प्याज अच्छी तरह सलाद जैसा कट के और साथ में 5-7 हरी मिर्च चीर के इसमें ऊपर से डाल दिया। अब हमारे छोले पनीर तैयार है। अब यहाँ देखिए हम पूड़ी के लिए आटा परात में डाले हैं, ये 5 kg है। यहाँ हमने 1 चम्मच तक बेकिंग पाउडर लगा देंगे, उसके बाद में इसमें थोड़ा सा अजवाइन हल्का सा डाल लेंगे जिससे हमारे पूड़ी का टेस्ट बेस्ट आता है। साथ में हम 2 करछी इसमें ऑयल डाल देंगे, ज़्यादा नहीं है, ये दोनों करछी मिला के ये 100 ml तक हमारा ऑयल है। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा डालना चाहिए जिससे पूड़ी हमारी पूरी मुलायम रहती है, ज़्यादा डालने से खस्ता हो जाएगी तो पूड़ी हमारी तेल उठाएगी, इसलिए ज़्यादा नहीं डालना। अब यहाँ हम थोड़ा सा पानी गुनगुना रखेंगे, बिल्कुल हल्का सा गुनगुना पानी, इससे हम आटा गून लेंगे। थोड़ा थोड़ा आटे में डालते जाएंगे, कम से कम ये हमारा जो पूड़ी के आटे में हमारा 5 किलो आटे में 1700-1800 ग्राम पानी लग जाता है, और पूरा टाइट आटा गूंदना चाहिए। ये देखिए इस तरह मिक्स कर लेंगे और 5 किलो आटे में 1800 ग्राम पानी हमारा लग जाता है। ये देखिए हमने पानी वेट करके रख लिया है और ये इस तरह हम बिल्कुल टाइट आटा गूंद के तैयार करेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और सख्त आटा रखेंगे। ये देखिए एक एक पेड़ियाँ हम इस तरह बना के रखते जाएंगे, पूरी सख्त रखेंगे, अभी इस तरह इकट्ठा करते जाएंगे, बाद में हम इसको मैश करेंगे। तो बस इसी तरह हमने 15 kg आटा गून के तैयार कर लिया है। अब ये बड़ी सी पेड़ी एक एक लेके हल्का सा आयल लगा के, ये हमारा सरसों का आयल है, और इस तो मैश करके सारा रख देंगे और इसको लंबा सा रोल हाथों में बना लेते हैं और इस तरह पेड़ियाँ तोड़ते जाते हैं पूड़ी के साइज का। ये देखिए इसको हम पूड़ी के साइज का तोड़ लेते हैं और थोड़ा सरसों का आयल इसमें हम ऊपर से लगा देते हैं जिससे ये जुड़ते नहीं हैं। तो इस तरह ये देखिए हमने तोड़ लिया है, अब इसको हम सारा तोड़ लेंगे, उसके बाद हम पूड़ियाँ बेलते जाएंगे। तो हम आगे दिखाते हैं, ये देखिए इस तरह हम पूड़ियाँ बेलते जाएंगे और इसको हम बाद में फ्राई करेंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह ये बेला जाता है और बिल्कुल सख्त होता है,
तो ये हमारी पूड़ी बहुत बेस्ट फूलती है। तो बस इसी तरह हम पूड़ियाँ सारी बेलते जाएंगे। ये देखिए पूरा जोर लगा के बेलना पड़ता है। आटा अगर नरम हो तो हमारी पूड़ी भी अच्छी नहीं बनती है, तो इसको थोड़ा सख्त रखना पड़ता है। और इस तरह हम पूड़ियाँ बेलते जाते हैं और दूसरी तरफ हम फ्राई करेंगे। तो पहले हम पूड़ियाँ बेल लेते हैं थोड़ा सा, जब इकट्ठा कर लेते हैं बेल के तब हम फ्राई करते हैं। तो ये देखिए यहाँ हमारा आयल गर्म हो चुका है। इस तरह हम पूड़ी डालते जाएंगे और ये बहुत बेस्ट पूड़ी बन के तैयार होती है। इसमें आपने बेकिंग पाउडर भी लगाया है, लेकिन बेकिंग पाउडर आपको ऐड करना तो करिए, नहीं बेकिंग पाउडर के बगैर भी हमारी पूड़ी बेस्ट बनती है। बस सिर्फ याद रहे कि आटा आपका अच्छी तरह मैश होना चाहिए, तो बेकिंग पाउडर के बगैर भी हमारी पूड़ी बेस्ट बनती है। ये देखिए और ये बहुत सॉफ्ट और बिल्कुल मुलायम सी पूड़ी बन के तैयार होती है। तो इस तरह छोली पूड़ी आप हलवाई स्टाइल में बना सकते हो। ये हमने हलवाई स्टाइल में अपलोड किया है वीडियो। आप इस तरह अपने घर में अगर 10-20 आदमी का या 100-50 आदमी का प्रोग्राम घर में हो तो इस तरह आप भी बना सकते हो। ये देखिए इस तरह हम दो बैचेस फ्राई करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए अच्छी तरह पूड़ी फूल जाती है और बहुत मुलायम सी पूड़ी बन के तैयार होती है। इस तरह छोले पनीर और मुलायम सी पूड़ी आप तैयार कर सकते हो। साथ में हलवा भी हमने बनाया है, लेकिन उसकी वीडियो हमने आपको नहीं दिखाया क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो इस तरह आप अपने घर में आसानी से ये वीडियो देखकर भी बना सकते हो। तो बस दोस्तों हलवाई स्टाइल में छोले पूड़ी और हलवा तैयार है, आप भी बना सकते हो और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है। और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हमें आप लोगों का प्यार मिल रहा है। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं।